हाय एवरीवन, मैं हूँ स्वाति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी करवा चौथ मेकअप लुक। तो ये लुक शायद थोड़ा सा आपको हैवी लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी हैवी नहीं है। आपके पास की जो भी प्रोडक्ट है उसके साथ भी इस लुक को आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक रेड गाउन के साथ ही इस लुक को क्रिएट किया है। आप चाहो तो रेड साड़ी के साथ, सूट के साथ, किसी के साथ भी इसको आप क्रिएट कर सकते हो एंड कैरी कर सकते हो। एंड इसको करवा चौथ में ज़्यादातर लोग जो है रेड रेड पहनते हैं, तो उसको दिमाग में रख के इस लुक को मैंने क्रिएट किया है। आप गाउन पहनो, ड्रेस पहनो, साड़ी पहनो, कुछ भी पहनो, इसके सबके साथ ये लुक बहुत अच्छे से मैच करेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के मेकअप लुक। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे फेस को क्लीन करके आई हूँ। मेरी फेस थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो मैं यहाँ पे पहले अप्लाई करूँगी टोनर। टोनर ग्रीन टी टोनर मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ, गुड वाइब्स का। इसको अप्लाई करके थोड़ा सा डैपटप कर दूँगी, जो कि अपनी फेस में जल्दी से जा सके। देन मैं यहाँ पे फेशियल ऑयल अप्लाई करूँगी। तो मैं यहाँ पे गुड वाइब्स की गोल्ड लिप्स फेशियल ऑयल मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी और उसको अच्छे से मसाज कर दूँगी। आप जब भी मेकअप करें, मेकअप करने से पहले आपका जो फेस बेस है ना, वो अच्छे से होना चाहिए, वो ग्लोई हाइड्रेट होना चाहिए, तब जाके आपकी मेकअप जो है अच्छी दिखेगी। देन हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ विटामिन ई नरिशिंग फेस क्रीम, जो कि गुड वाइब्स की है। और उसको अप्लाई करके डट करके अपनी फेस और नेक में अप्लाई कर दूँगी। देन उसको मसाज कर देंगे। देन उसको 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही फेस में रहने देंगे। आपकी फेस में कोई भी मॉइस्चराइजर आपको सूट करता है वही आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ करने के बाद तुरंत कुछ भी अप्लाई मत करें। 5 मिनट्स के लिए एटलीस्ट उसको ऐसे ही रहने दीजिए। आफ्टर 5 मिनट्स मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पर्पल का 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर मैं यूज़ करूँगी। प्राइमर को अपनी दोनों फिंगर्स में लेके जहाँ पे मेरे ओपन पोर्स है वहाँ पे लगा दूँगी। उससे क्या होता है, मेरे ओपन पोर्स जो है वो ब्लॉट आउट हो जाता है, फिल हो जाता है, जो हम उसके बाद जो हम मेकअप करते हैं तो वो फ्लॉलेस लगती है और लॉन्ग लास्टिंग भी करती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले प्राइमर ज़रूर लगाया करें। देन मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की फिट मी कंसीलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरे डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए, मेरी अंडर आई एरिया को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। जहाँ जहाँ मुझे लगे मेरे फेस में थोड़ा सा डार्कनेस है, थोड़ा सा डार्क पैचेस है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा अप्लाई कर दूँगी। जैसे माउथ के अराउंड जहाँ जहाँ मुझे डार्क लगे कि वहाँ पे मैं अप्लाई कर दूँगी। अप्लाई करके एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से उसको ब्लेंड कर दूँगी। एक्चुअली मैं यहाँ पे आई मेकअप फर्स्ट करने वाली थी, इसलिए मैंने पहले कंसीलर को अप्लाई किया था। फिर मैंने सोचा कि जाने दीजिए, मैं पहले कंसीलर अप्लाई करके फिर फाउंडेशन लगा के फिर जाके मैं आई मेकअप करूँगी। तो मैंने यहाँ पे डॉट करके अपनी फेस में फाउंडेशन को अप्लाई किया है। तो फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की फिट मी मैट पोरलेस फाउंडेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अपनी फेस एंड नेक में डॉट करके अप्लाई कर दूँगी। देन उसको एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। मैं यहाँ पे मेरी वीडियो जो है ये 2x 3x स्पीड में जा रही है, बट आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे के कीजिए। तो उससे क्या होता है, आपकी मेकअप जो है, आपकी बेस जो है फ्लॉलेस लगेगी। एक्चुअली मैं करवा चौथ नहीं करती हूँ, हमारे स्टेट में करवा चौथ नहीं करते हैं। तो बस मैं आप लोगों के लिए इस लुक को क्रिएट किया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है। तो अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद हम पूरे फेस को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की क्लियर स्मूथ ऑल इन वन कॉम्पैक्ट में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। एक ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से अपनी पूरे फेस एंड नेक को अच्छे से सेट कर दूँगी। मेरे मेकअप को अच्छे से सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप अच्छे से उसको सेट कीजिए। तो देन मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी जो आईब्रो को फिल इन करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे वेटल वाइट जो आई शैडो पैलेट से मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड पिक करूँगी और मेरी आईब्रो को फिल करूँगी। नेचुरल शेप मेरा जैसे ही वैसे रखूँगी, बट थोड़ा सा जो जहाँ पे थोड़ा सा लाइट दिख रहा है तो वहाँ पर मैं थोड़ा फिल इन करूँगी बस। तो हम बढ़ेंगे हमारी आई मेकअप की तरफ। तो मैं यहाँ पे सिस ब्यूटी का आई शैडो पैलेट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। वहाँ से जो पिंकिश शेड है उसको पिक करूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से एंड उसको पूरे आईलिड पे भी ऐसे अप्लाई करूँगी और देन उसको अच्छे से जो है ब्लेंड करते जाऊँगी। अगर आपके पास सेम आई शैडो पैलेट नहीं है तो आपके पास जो भी आई शैडो पैलेट है वहाँ से एक पिंक कलर आप
पिक कीजिए एंड पूरे आईलिड पे उसको अप्लाई कर दीजिए, अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। देन मैं यहाँ पे एक ब्राउन शेड, डार्क ब्राउन शेड यहाँ पे पिक कर रही हूँ एंड देन मेरी जो है आउटर भी मैं उसको प्लेस करूँगी एंड उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर में भी अप्लाई करूँगी एंड प्लेस करूँगी, देन उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। दोनों कलर को मैंने जो अप्लाई किया है, आउटर भी एंड इनर कॉर्नर, दोनों को अच्छे से जो है ब्लेंड करूँगी। जो भी प्रोसेस मैं यहाँ पे कर रही हूँ दोनों आईज में बराबर करके कर रही हूँ, बिगिनर हूँ तो मैं यहाँ पे जो सीखती हूँ आपको सिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे जो भी प्रोसेस करती हूँ इक्वल दोनों आईज में करती हूँ। देन यहाँ पे मैंने वर्टल वाइट की आई शेडो पैलेट से यहाँ पे जो गोल्ड सेड है, सिमटी सेड है, उसको मैं अपनी फिंगर के टिप्स में मैं उसको पिक करूँगी एंड मेरी जो मिडिल में, मैं आइज़ की मिडिल में यहाँ पे मैं ऐसे प्लेस करूँगी। आप देख सकते हैं ऐसे प्लेस, उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपकी लुक, जो इंस्टेंट आपकी लुक जो है चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं, आपको शायद अभी अच्छे से इतना समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन कंप्लीट होने के बाद लुक जो है काफ़ी अच्छा लगता है। देन आउटर भी एंड इनर कॉर्नर में मैंने जो ब्राउन शेड अप्लाई किया था उसको थोड़ा सा मुझे लाइट लग रहा था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और मैं सेम कलर को लेके थोड़ा सा अप्लाई करके ब्लेंड कर दूंगी। देन मैंने जो आईलिड पे, पूरे आईलिड पे जो पिंकी शेड को अप्लाई किया था उसको भी थोड़ा सा जो है मैं तो और एक बार ब्रश में लेके उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी ताकि सारे कलर ब्लेंडेबल लगे, ऐसा नहीं कि कलर हार्श लाइन किसी का भी ना दिखे। देन मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगी लाइनर, लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे लैक्मे का यूज़ किया है। देन मैं हम अप्लाई कर देंगे काजल, काजल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्लम का नेचर स्टूडियो वाला काजल लिया है, उसको मैं वाटर लाइन एंड लैश लाइन दोनों में अप्लाई कर दूँगी अच्छे से। दोनों आइज़ में मैं अप्लाई कर दूँगी काजल अभी। देन मैं आईलिड में जो पिंकी सेड को अप्लाई किया था सेम उससे वही कलर को मैं एक ब्रश की हेल्प से पिक करूँगी एंड उसको अच्छे से जो कि मैंने यहाँ पे काजल लगाया था उसके ऊपर स्मच करूँगी ताकि एक अच्छे से स्मोकी सी लुक आए। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी मस्कारा, मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँ मेबलिन का मस्कारा, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा वाला मस्कारा है। तो मैं यहाँ पे कोई फॉल्स लैशेस नहीं लगा रही हूँ, मैं ऐसे ही रखा है, आप चाहो तो फॉल्स लैशेस अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। देन वही सेम आई शेडो पैलेट से वही पिंक शेड को एक ब्रश की हेल्प से पिक करूँगी एंड उसी आई शेडो कलर को ही मैं अपनी ब्रश के हिसाब से उसको अप्लाई करूँगी, देन उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ये पिंक किस टाइप के कलर है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। देन मैं करने वाली हूँ अपनी फेस की कंटूरिंग, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंटूर कर रही हूँ ताकि मेरी फेस थोड़ा सा पतला लगे एंड मैं यहाँ पे नोज़ की कंटूरिंग कर रही हूँ, फोरहेड की कंटूरिंग कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कंटूरिंग इसीलिए कर रही हूँ ताकि मेरी फेस थोड़ा शार्प लगे। तो आप कोई भी एक ब्राउन शेड लेके उसके हेल्प से ही आप कंटूरिंग कर सकते हैं, आप चाहो तो आई शेडो पैलेट में भी जो ब्राउन शेड है उसी की भी हेल्प से भी आप कंटूरिंग कर सकते हैं अपनी फेस की। देन अप्लाई करेंगे हाइलाइटर, हाइलाइटर हमारी जो फेस की हाईएस्ट पॉइंट है जैसे कि ब्रिज ऑफ द नोज, किपिट बो, चीन, इनर कॉर्नर एंड ब्राउन, उसमें हम अप्लाई कर देंगे हमारी हाइलाइटर कुछ इस तरह, आप देख सकते हैं। मेकअप जब भी करें हाइलाइटर जरूर यूज़ कीजिए, इससे क्या होता है अपनी फेस वैसे भी ग्लोई ग्लोई लगता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक, लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे स्टेक्यूकी की लिक्विड लिपस्टिक मैंने यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जो कि उसमें रेड इन कलर में है, जो कि मेरे लिप गाउन जो है रेड है इसलिए मैं यहाँ पर रेड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ जो कि काफ़ी सुंदर वाला लिपस्टिक है। तो गाइज़ ये जो लुक मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको चाहो तो आप करवा चौथ में कर सकते हैं, दिवाली में कर सकते हैं, आगे भी कोई फेस्टिवल, बहुत सारे फेस्टिवल आगे भी आ रहे हैं उसमें भी आप कर सकते हैं, या फिर आगे वेडिंग सीजन भी आ रही है तो ये वाले मेकअप लुक जो आप वेडिंग सीजन में भी कर सकते हैं, अगर आप वेडिंग गेस्ट है तो भी ऐसे कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो गाइज़ मेकअप तो हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गया है तो मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ बिंदी, क्योंकि करवा चौथ है तो रेड बिंदी तो लगाना ज़रूरी है क्योंकि फेस्टिवल बिंदी के बिना नहीं हो सकता। तो गाइज अभी देख लेते हैं मेरी कंप्लीट लुक, अगर मैं करवा चौथ करती तो ऐसे रेडी होती एवरीथिंग, फिर भी मैंने सब कुछ देख सकते, मैंने अब रेड चूड़ा पहना है, उसके साथ साथ हेवी इयरिंग्स पहना है, उसके बाद मैंने यहाँ पे मंगलसूत्र भी डाला, तो हाँ मंगलसूत्र करवा चौथ पे लगाना बिल्कुल भी ना भूले, वैसे भी कोई नहीं भूलते, फिर भी यहाँ पे मैंने सिंदूर लगा लिया और मेरी करवा चौथ मेकअप कंप्लीट हो गया। हाँ मैं करती नहीं हूँ मेकअप, अगर करती तो मैं ऐसे मेकअप ज़रूर करती।
तो ये वाले लुक को आप साड़ी के साथ भी वेयर कर सकते हैं, गाउन के साथ, सूट के साथ, किसी के साथ भी आप ये वाले लुक को कैरी कर सकते हैं, जैसे लहंगे के साथ कैरी कर सकते हो। ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।